One Change. हेलो एवरीवन, दिस इज विनय फ्रॉम स्टेट फास्ट ट्रेनिंग सेंटर। और आज के इंग्लिश के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द हैबिट ऑफ और हैबिचुअल ऑफ। जी हाँ दोस्तों, सो जो इन द हैबिट ऑफ है उसके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और जो हैबिचुअल ऑफ है उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों दोनों का मतलब सेम ही होता है, किसी चीज की आदत होना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है, तो क्या कहूंगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ, आई एम हैबिट of teaching English. I hope you got it. Okay. So second example is, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, तो मैं क्या कहूंगा, I am in the habit of playing cricket. या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, I am habitual of play cricket. I hope you got it. This sentence very carefully. So thank you so much for watching me live. I hope you got it all very carefully. One change.